अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गया मिर्ज़ा साहब के सामने एक बार फिर से आ गया। अच्छी अच्छी बात, अच्छी एक अच्छी बात भी है, एक बुरी बात भी है मेरे पास आप लोगों के लिए। अरे यार सर्दी की छुट्टियां पड़ रही हैं आप लोगों की, 20 दिसंबर से छुट्टियां हो रही हैं और 1 जनवरी को स्कूल खुलेंगे दोबारा से। और सुना है कि भाई कोई कोरोना वायरस की रिपोर्ट नया केस आ गया है और उसके डर भी है कि भाई अब कुछ हो ना जाए। तो जो भी हो, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं 9th क्लास के साथ, जो कि अक्षर 3.2 है, क्लास 9 की है। हम ये डिस्कस करेंगे आज, तो बहुत सारी बातें करने को हैं, नई नई चीज़ें हैं, नई कहानी के साथ भी। नई कहानी किसने मना कर दी, वरना मैं आपको बताता जरूर। चलिए कोई नहीं, न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ 216a³ - c43b³। वैसे एक नई कहानी बताऊंगा, तो सवाल समझ लो पहले भाई तुम। Find the value of 216a³ - c43b³ when 6a - 7b = 11 and ab = 8. In the previous video, I told you about के हम a cube b को मालूम करना है, तो हम क्या लेते हैं बेटा, इस फॉर्म को लेंगे। बस यार इसको क्यों लगा हुआ, यह फॉर्म लेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 6x - 7b = 11, यानी दिस इज क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। खामोशी होती है, ठीक है। 6a - 7b³ = 11 ठीक है, ये होता है क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो आप अप्लाई करते फॉर्मूला, कौन सा वाला अप्लाई करेंगे, a³ + b³ वाला, क्यों क्या है आपके पास? नो नो, दिस फॉर्मूला इज नॉट अप्लाई होगा, क्योंकि a माइनस b होल क्यूब है ना, a माइनस b होल क्यूब, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab a माइनस b, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम इस इक्वेशन में। तो अप्लाई कर दें, फर्स्ट a क्यूब था, a क्यूब माइनस का b क्यूब 3ab a माइनस बी इक्वल टू 11, तो कितना होता है चलो 11 को तीन बार मल्टीप्लाई कर दो, 11 11 121 121 11 1 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
एक का मतलब क्या है, ए बी क्या है सेवन बी थ्री ए बी, ए पे क्या सिक्स ए सेवन बी सिक्स ए माइनस सेवन बी, सिक्स का क्यूब ये क्या करता है सिक्स मल्टीप्लाई बाय सिक्स इज थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाय सिक्स सिक्स इज टू वन सिक्स राइट ओके टू वन सिक्स ए क्यूब थ्री फोर थ्री बी क्यूब। आप कहेंगे कैसे याद है मुझे लिखा है ना थ्री फोर थ्री तो मीन से सेवन का क्यूब है सिक्स का क्यूब टू वन सिक्स से ठीक है थ्री सिक्स एटीन एटीन सेवन का एटीन सेवन का सेवन एट का फिफ्टी सिक्स सेवन का सेवन प्लस फाइव सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व वन टू सिक्स ए बी ओके कोई बात नहीं सिक्स ए माइनस सेवन बी की वैल्यू क्या है आपके पास वो जो कि इलेवन है इक्वल्स टू वन डबल थ्री वन। लो भाई लो वन टू सिक्स को स्टार्ट क्या करेंगे इलेवन से आप लोग ना इलेवन कहाँ से आई इलेवन इसकी वैल्यू थी इसको रिमूव करके मैंने इलेवन लिख दिया ठीक है चलो भाई वन टू सिक्स मल्टीप्लाई बाय इलेवन वन सिक्स सिक्स वन टू टू वन 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 सिक्स वन टू टू वन 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 सिक्स छः और दो आठ तीन वन थ्री एट सिक्स राही हमारा स्टूडेंट है जो कि बड़ा होशियारपुर का होशियार बेटा है जो कि चिलगोजे खाता है क्या खाता है चिलगोजे आंसर क्या आएगा
चेक कर लेते हैं भाई। 386 86 48 8 64 64 1 क्या था बेटा? नहीं नहीं, हम उल्टा करें, ध्यान बच्चों को उल्टा करना आए। 8 8 64 64 8 + 8 कितना होता बेटा? 72 8 3 24 24 + 7 31 8 8 + 3 11 1 1 2 8 no 1 3 8 6 मिला क्या करो 3 से क्या आंसर बेटा बताना था 1 1 0 8 1 3 8 6 8 8 8 8 8 64 ठीक है 8 8 64 होता है भावले 8 8 64 24 8 64 8 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
ये सेम आएगा, ये सेम आएगा 111088 = 1331। ठीक है बेटा, मैंने क्या किया था, कैसा अप्लाई किया था, 6a होल क्यूब फॉर्म अप्लाई करा, a क्यूब माइनस b क्यूब 3ab का मतलब और a माइनस b। तो आप देखें this is 88, 7 = 6 हो गया था, a भी सेम आ गया था, 11 के वैल्यू करी 11 को ऐड करके ये आ गया, इसको 8 से ऐड करके ये आ गया, ये माइनस था तो हमारे प्लस में आएगा। प्लस करने आया इसको बेटा, ठीक है बेटा, ये इसका आंसर था जो आप देख सकते हैं, बड़ा मल्टीप्लाई करने के बाद आया है और ये मैंने सॉल्व किया है पहली रोज। ठीक है, अब मैं सॉल्व करूंगा दिस पार्ट। ठीक है, आपको आई होप कि समझ में आया होगा, देखिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। तो हमने वैल्यू पुट करके इसका वैल्यू फाइंड कर लिया। नाउ नेक्स्ट सम की तरफ मूव करते हैं। अरे हाँ, एक कहानी तो बतानी थी आपको मैंने, वो कहानी थी एक लड़का जो लड़की बन के मैसेज किया करता है। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब मैं आगे बात नहीं कर रहा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहानी वो दीवान सुनने वालो। अच्छा ओके ओके, नाउ फाइंड x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब अपने मालूम करना है और x प्लस 1 अपॉन x इज गिवन 7। ठीक है, वही करेंगे, इसको लेके आप क्या करेंगे कि मन बोल रहा है, आपने लिखा x प्लस 1 अपॉन x इक्वल 7 लिख दें आप क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। सही, तो क्यूब का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, a प्लस b होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो ये हो गया x प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब 7 का होल क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आप, तो a का मतलब a क्यूब फर्स्ट, b क्यूब मतलब 1 अपॉन x क्यूब, a क्यूब b क्यूब और 3 भी आएगा प्लस का 3ab और 7 क्यूब इज 3 4। ठीक, कैसे पता मुझे, क्योंकि मालूम है ना 7 + 7 + 7 3 4 3 होता है। ठीक है, इससे पहले सवाल भी किया हमने, x एंड x कैंसिल सेम आएगा, ये प्लस 3 वहां जाके क्या होगा माइनस 3 और ये होगा 3 4 0। That's your required answer. अब बस ये था हमारा क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कर दिखा दिए, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड बहुत सारे फ्रैक्शन फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा सेवन क्लास में, एट क्लास में और नाइन्थ क्लास में बहुत यूज है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ और कहानी नेक्स्ट लेक्चर में सुनाऊंगा उसी के दौरान। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।